हाय दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। ये क्या होता है, काम कैसे करता है और इसे यूज कैसे करें। अगर आप नए मॉम हैं और इस टॉपिक के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है। सबसे पहली चीज, बेसिक से शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल करके मदर्स अपने ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके अपने मिल्क को निकाल सकती हैं और डायरेक्टली अपने बच्चों को पिला सकती हैं या फिर फ्यूचर के लिए भी स्टोर कर सकती हैं, जो कि ऑटोमेटिकली काम करता है उसमें दिए गए मोटर के वजह से। ये बेबी के नेचुरल सकिंग रिदम को मिमिक करते हैं जो पंपिंग को इजी और एफिशिएंट बना देते हैं। जैसा कि लवलैब एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप एक इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है, मतलब फुली ऑटोमेटिक है। इसमें मदर्स को कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये पंप अपना काम खुद ही करता है। इसमें आपको अलग से सॉफ्ट सिलिकॉन मसाज कुशन मिलता है जिसमें दिए गए पेटल्स की वजह से मदर्स के ब्रेस्ट में काफी अच्छा मसाज मिलता है, मदर्स को एटमोस्ट कंफर्ट मिलता है एंड जो कि किसी भी ब्रेस्ट साइज में बहुत ही आसानी से फिट भी हो जाता है। इसके इलेक्ट्रिकल यूनिट में आपको LED डिस्प्ले मिलता है जो कि बहुत ही आसानी से चलता है एंड इसमें आपका लास्ट यूसेज मेमोरी भी स्टोर हो जाता है, मतलब आपको बार बार सेटिंग सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस पंप का जो अमेजिंग पार्ट है कि इसमें आपको 2 डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, स्टिमुलेशन या मसाज मोड एंड एक्सप्रेशन मोड, एंड दोनों ही मोड में आपको 9 डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स भी मिलती हैं। मतलब बेसिकली मदर्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटेंसिटी लेवल्स भी बहुत ही आसानी से सेलेक्ट कर सकती हैं। इसमें आपको डुअल पावर सोर्स मिलता है, मतलब आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी चार्ज कर सकते हैं या फिर इसमें दिए गए इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी को चार्ज करके लेटर भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट इस पंप को चार्ज करना भी उतना ही आसान है। चार्ज करने के लिए आपको एक USB केबल मिलता है जिसका इस्तेमाल करके आप इस पंप को लिटरली कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। हाइजीन के लिए इसमें आपको डस्ट प्रोटेक्शन कैप मिलता है एंड साथ ही साथ ये काफी कॉम्पैक्ट एंड ट्रैवल फ्रेंडली भी है। इसमें दिए गए ट्रैवल पाउच में डाल करके आप इसको कहीं पे भी बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं। इस पंप में आपको एंटी बैकफ्लो मैकेनिज्म मिलता है, मतलब गलती से भी मिल्क जो है वो पंप यूनिट तक नहीं जाता है जिसके वजह से मिल्क कंटामिनेशन नहीं होता है और पंप जो है वो खराब नहीं होता है। फर्दर हाइजीन की अगर हम बात करें तो इसके सारे ही पार्ट्स को आप क्लीन एंड स्टरलाइज भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पंप यूनिट को, पावर कॉर्ड को एंड ट्यूब को आपको क्लीन एंड स्टरलाइज नहीं करना है वरना पंप खराब हो जाएगा। इस पंप के सारे ही पार्ट्स को BPA फ्री प्लास्टिक एंड सिलिकॉन से बनाए गए हैं, मतलब नो डाउट ये मदर के लिए एब्सोल्युटली सेफ है एंड इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। अब चलिए प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने हैंड को अच्छी तरीके से वॉश करना है क्योंकि ऑफ कोर्स हाइजीन ऑलवेज कम फर्स्ट। उसके बाद आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए जो कि मिल्क फ्लो में मदद करता है। उसके बाद आप पंप के फनल को अपने ब्रेस्ट में लगाए। ध्यान रखिएगा, ब्रेस्ट का निपल फनल के सेंटर में होना चाहिए और प्रॉपरली प्लेस्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको पावर बटन को ऑन कर देना है, मोड एंड सेटिंग अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है एंड पंपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक बार अगर पंपिंग ओवर हो जाए तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। एक्सप्रेस किए गए मिल्क को बच्चों को डायरेक्टली पिलाने के लिए आप सीधा बॉटल से भी पिला सकते हैं या फिर मिल्क को मिल्क स्टोरेज बैग में डाल करके आप बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। देखा आपने किस तरीके से पंपिंग मेथड को फॉलो करके एंड लवलैब एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करके मदर्स अपने मिल्क को बहुत ही आसानी से पंप कर सकती हैं, अपने बच्चों को अपना मिल्क पिला सकती हैं और आपको कोई और मिल्क अपने बच्चों को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लवलैब एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप बहुत ही आसानी से अमेज़न, फ्लिपकार्ट एंड लवलैब के साइट पे अवेलेबल है जिसका परचेज लिंक मैं आपको वीडियो के जस्ट नीचे ही दे दूंगी। आप वहां पे क्लिक करके अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूं और बहुत जल्दी आपको मिलती हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।